हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं यहाँ ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है, कल हम ऋषिकेश से निकले थे केदारनाथ के लिए और हमने पहला दिन अपना स्टे किया था यहाँ पे देवप्रयाग में। और आज हम आगे निकल गए हैं केदारनाथ के लिए और अभी हम पहुँच चुके हैं। माँ धारी देवी के दर्शन कर रहे हैं इस समय। देखिए कितना शानदार नज़ारा है माँ धारी देवी का। और रूट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, इतना बुरा भी रूट नहीं है। और अब रह गया 125 किलोमीटर लगभग, तो देखिए आज ही शायद हम शाम तक पहुंच जाएंगे वहां। और जैसे जैसे आगे का होगा हम आपको जरूर दिखाएंगे। मॉर्निंग, आज है डे 3। डे 2 में कल हम पहुंचे थे सोनप्रयाग और लेट होने की वजह से कल हमने यहीं स्टे किया था। आज हम देख रहे हैं आपको, यहाँ मैं आपको रूम की कंडीशन दिखाता हूँ जिस तरह से हमने स्टे किया था। देखिए मेरे साथ किस तरह का हमने रूम लिया था और किस तरह के यहाँ पे प्राइस है, आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये देखिए, ये वो रास्ता है जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए ऊपर निकलेगा। और ये वहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ पे पुलिस की चेकिंग करते हैं, जो कल लेट होने की वजह से यहाँ पे हमें रोक दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ स्टे किया। और अब मैं दिखाता हूँ आपको रूम की कंडीशन। ये देखिए दोस्तों, ये वो रूम है जिसमें कल हमने स्टे किया था। 3 से 4 लोग इस रूम में आराम से रह सकते हैं। और यहाँ का प्राइस भी इस समय तो हमें ऑक्सीजन है इसलिए रिजनेबल प्राइस मिला है। 400-500 रुपये में ये रूम आराम से अवेलेबल है इस टाइम पे। लेकिन अगर सीजन में आओगे तो इस टाइम यहाँ 800-900 रूम के प्राइस में यहाँ ये रूम मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए जंगल चट्टी, जो हमारे इस बाबा के दर्शन के पड़ाव के दूसरा पड़ाव है बीच में। देखिए अच्छी सी, यहाँ पे भी एक शानदार मार्केट है, हल्का फुल्का आप कुछ खा पी सकते हैं। हम पहुंच गए हैं भीमबली और ये मेरे पीछे धीरे धीरे सैलानी और आते हुए बाबा केदार के दर्शन के लिए। और देखिए एक शानदार नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ पे बहुत हाइट से एक झरना बह रहा है और ठीक ऊपर उसमें एक जो आपको ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उस पर्वत पे धूप पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे
गोल्ड जैसा, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है और काफ़ी अद्भुत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठंडा पानी है, हाथ धो सके और जान आ गई शरीर में और आगे बढ़ने की। अब हर हर महादेव। दोस्तों बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ, जिस टाइप का एक सकता हूँ बिल्कुल एक ऑफ सीजन और ये एक टाइम है समय कोरोना का। और आज हैं 2 तारीख, तो कल ही गाइडलाइंस आई हैं उत्तराखंड सरकार की और अब धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ेंगे, लेकिन अभी लोग इतने आ नहीं रहे यहाँ पे कोरोना की वजह से, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ऊपर रूट खुला है बंद है इस वजह से। लेकिन बिल्कुल ही खाली रूट, एकदम कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई सवारी, कोई और यात्री, बहुत कम यात्री देखे जा रहे हैं इस रूट पे। और देखिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे दिखाता रहूँगा। हालत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, अभी बहुत दूर चढ़ाई चढ़नी है। तो देखिए एक सुंदर सा व्यू यहाँ पे, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा फोन कैमरे इस कैमरे से, लेकिन मैं आपको जो मैं देख पा रहा हूँ इतना शानदार व्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऊपर बर्फ पड़ी हुई है हिमालय पे, पहुँच गया हूँ बड़ी लिंचोली और यहाँ से अब रह गया केदारनाथ के बाबा का के दर्शन करने के लिए मात्र 6 किलोमीटर। और बहुत देर बाद हमें ढलान देखने को मिली है, देखो क्या शानदार जा रहा है। देखिए जो आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हम पहुंच गए छानी कैंप और यहाँ से अब रह गया 4.5 किलोमीटर और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। एक बार अभी भाई को बोलूँगा एक बार जरा यहाँ ऊपर का व्यू दिखाइए इनको, देखिए कितना प्यारा सा व्यू है यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं एक्चुअल में स्वर्ग वो वाला व्यू है यहाँ पे देखने को। ऐसा आपको दृश्य दोबारा और कहीं जगह नहीं मिलेगा देखने को। ये स्पेशली और भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है, और एक तरह से ऑफ सीजन कह सकते हैं क्योंकि कोरोना की मार पड़ी है इस समय यात्रा पे। और रेट भी इतने हाई फाई नहीं है यहाँ पे इस समय, काफ़ी ठीक है। अभी हमने यहाँ पे चाय और नाश्ता किया तो मात्र 20 रुपये की चाय और 50 रुपये की मैगी है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा प्रकार की प्रबंध है। उसी तरह एक ये पालकी का यहाँ पे लोग 4 लोग मिलकर एक यात्री को उसमें यात्रा करवाते हैं और इनकी एक चाल में एक कदम ताल होता है। और देखिए कितना कठिन होता है ये कार्य, लेकिन यहाँ पे हवाई यात्रा भी, अगर आप चाहें तो हवाई यात्रा से भी बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। We'll be right back.
जैसा कि आप सबको पता है कि हम बाबा केदार के दरबार में पहुंच गए हैं और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे बाबा केदार का। और मैं चाहता हूँ आप लोग वर्षों तक इसका इंतजार करते हैं बाबा केदार के बुलावे का, और हम देखिए यहाँ पहुंच गए हैं और ये देखिए एक भव्य नज़ारा इस तरह से देखो। इस समय कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बाबा के दर्शन हो सकते। ये कोरोना के कारण लोगों को लोग आ नहीं रहे इतने ज़्यादा, लेकिन एक जो नुकसान वाला बात बताता हूँ आपको, इसमें यहाँ पे आपको अंदर मंदिर के अंदर we'll be right back.
किसी भी सिचुएशन से रेस्क्यू करने के लिए बनाए गए हैं। जाएगा जो ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा है डे फोर और हम आज ही गौरीकुंड से नीचे अपने घर की तरफ निकलते हुए। अच्छा, इसमें पानी सिंपल एकदम गर्म, और जो मैंने आपको दिखाया था वो है तप्त कुंड, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए टैक्सी स्टैंड, यहाँ से हम गाड़ी लेके जाएंगे सोनप्रयाग तक गौरीकुंड से। अपने पास फोटो है उसका, देखिए तो आज भारी भीड़ है। अरे मात्रा में श्रद्धालु, तो अभी पहले जब भी आप आए रजिस्ट्रेशन जरूर करवा के आए अपना। देखिए सारे रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हो गए हैं। हाँ, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ की एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप एक ई पास के जरूर अप्लाई करें आने से पहले। और यहाँ से हम बाइक लेके अब निकलेंगे हम। देखिए यह है सोनप्रयाग की पार्किंग, और दिखा रहा हूँ ये वो बैरिकेडिंग है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी हल्की सी। इस बैरिकेडिंग से हम अपनी गाड़ी को अंदर नहीं लेके जा सकते। हमारी बाइक वहीं लगी है,
से हम भी जा रहे हैं पार्किंग में। अच्छा